डेडिकेटेड पानी लाइन और जो सप्लाई जो पावर का है वो नहीं है, तो आज का माइनिंग सबने रिफ्लेक्ट कर दो, हम लोग देखते हैं अगर कुछ गलत बोला है तो माफ करना है। गलत है चल रहा है ना, हो जाएगा नहीं होता है ना, अभी तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो आज का मीटिंग में भी हम लोग ये पानी को भी माइनस में डालने से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी और बिजली नहीं रहेगा हॉस्पिटल कैसे चलेगा। और जहाँ तक डीजी सेट का बात है, आपका ओटी जो है ये पब्लिक ये करेंट से नहीं होगा, कि आपको डीजी सेट ही होना पड़ेगा वो ओटी के, उसके लिए तो आप सरकार से बात करो। तो ये तो रोगी कल्याण मतलब रोगी का ही बात है, अब इसको डीजी सेट भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी आज का माइनस में डालो, हम उसको सरकार को लिखेगा कि वहाँ इश्यूज ये है उसको सॉल्व कर देता है ना। तो मेरा ख्याल से ये ठीक रहेगा। और जहाँ तक वो हाईवे का बात हो रहा है, अभी हाईवे तो हम भी देख रहा है उसको कहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम बात करेगा। ये लोग भी ऐसे कभी कभी बहानाबाजी करते हैं ना, लेकिन आपका जो लाइन है पानी के जो लाइन है आपको बिल्कुल फिलहाल पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाईवे बनाने के वजह से पाइप से पाइप जैसे लेने के डर है, लेकिन उधर से एक तो मेन या प्रिंस के लिए साइड 19 करोड़ जैसा पैसा मिला हुआ है, तो लॉन्ग रन में छः साल में 100% पानी का प्रॉब्लम ऐसा उन्होंने दिया है, 19 करोड़ ना कुछ दिया है। ये दो है, एक है पावर का बात लेके, एक है ये पानी को लेके। ये तो हमेशा क्योंकि हमेशा चीफ सेक्रेटरी लेवल में हम जो मीटिंग होते रहता है उनके हमने सुना हुआ है, पावर का भी अलग से अलग डेडिकेटेड लाइन एक तो आता है हमारा पावर पीएचसी का भी ऐसे होना है, अभी तक तो ये होना चाहिए था मेरा हिसाब से, अभी तक नहीं आया। मैं पावर का प्लेयर केरी का दिया था, उसमें भी शायद ये से दिल्ली से लाया था, उसमें भी अभी टाइम साहब का समय में वो 9 करोड़ में 1 करोड़ दे के उसमें मना के रखा है, लेकिन वो पॉइंट्स इलेक्ट्रिसिटी से भी सफिशेंट नहीं है। अभी हम लोग बिजली से लगा के रखा है 1200 का बिजली से, इतना 1 आवर में 100 लीटर की अंदर पड़ता है, इसीलिए बहुत ही ये पैसा जाता है, इसीलिए हम लोग मास्टर में डायपर के साथ हमने कन्या मतलब आपका जो जरूरी चीज है आपका तकलीफ ही बताएगा, लेकिन आपका गति को भी हम बताएगा सर। ये तो मेरा आदत है, आदत से थोड़ा मजबूर है, तो इसलिए आप लोग अभी से थोड़ा काम अच्छा से कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। सोनी जी ने जो बताया उसको हम सपोर्ट करते हुए मैं अपना बात को यही रखूंगा, क्योंकि मिलना है घूमना है वो तो अच्छा रहेगा। अभी भी ट्रैफिक का जो बात किया, हम भी अभी आया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये ट्रैफिक सिस्टम तो अभी शायद कोई इमरजेंसी पेशेंट होने से कभी भी 1 घंटा भी फंसे। तो एक्चुअली पहले हमने 1 वे को करने के लिए बोला था, लेकिन अभी वो लोग 1 वे ने तो दोनों वे को बना के रखा है, तो इसको एक बार अच्छा से हम ट्रैफिक का उसी और हम लोग देख के बात कर लेते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। पानी का जो अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है पानी में कैसे वो पूरा हमें पानी मिलना चाहिए ओवरऑल में, कैसे अब पानी का वही हम समझ नहीं मिल आया। डॉक्टर साहब का सिंथेटिक सोलर का स्टोरी हम लोग जो यहाँ आया है ये बात तो नया बात नहीं है, हम जो बोल रहे हैं आप लोग जानते हैं, फिर भी मेरा फर्ज है कि आप लोग रोगी का कल्याण के हम बात कर रहे हैं, तो ये बात भी करना बहुत जरूरी है। और रेस्ट मेरा हिसाब से ये तो क्वार्टरली मीटिंग होते रहेगा, हम लोग बातचीत करते रहेगा, और हो सकता है कभी भी हेल्थ का भी हमको चार्ज मिलेगा, अभी सुन के रखेगा। एक्चुअली मैं डीसी इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसे है कि बहुत से आईएएस ऑफिसर होता है कि लाइफ में वो डीसी बनने के लिए नहीं मिलता है, जब तक डीसी नहीं बनने के मिला। अभी जैसे हम लोग डॉक्टर
रंजन का सर, बीएमओ का सर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितना 45, 46, 47 डिपार्टमेंट का सर हमारा इंटरेक्शन है, फाइल आता है एजुकेशन का, सब मैं सीख रहा हूँ। मेरी जितना सीखना था मैंने सीख लिया, तो अभी सेक्रेटरी में जाने से भी मेरा काम इजी हो जाएगा। खास करके आप लोग का हेल्थ का तो बहुत ही इश्यूज होता है, हमने भी देखा है, और जो हेल्थ का जो फाइल जो जाता है कितना रुकता है कैसे होता है, मुझे भी वो सीख मिल गया। और मुझे यहाँ पे जैसे आज क्रीम्स में आया, आप लोग से बातचीत हुआ, खास कुछ यहाँ आप लोग का सामने में बिना नका पला के मुक्की के पला के घूमते रहेगा, हम भी देखेगा, तो ऐसे करके सीख भी मिलेगा सचमुच का आपका क्या ग्राउंड में क्या तकलीफ है। तो इसमें पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में मंत्री का साथ, सरकार का साथ बात करने में इजी हो जाएगा। हमारा सब समझ का हमने देखा है, काफी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल से लिए वो कहते हैं, हमने तो वो डीसी बन के नहीं देखा है, ये हम लोगों को हमारे लिए ऐसे से बोलता है, तो इसलिए बहुत अच्छा चीज सीखने के लिए यहाँ मिलेगा। खास करके ये तर्सरी लेवल का है, तो आराम से हम लोग लेते रहेगा और बात करते रहेगा। और इसी बीच में आज से आप लोग जान लो कि मैं तो दिल्ली आने वाला हूँ, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, क्या रूप में आएगा, और ये भी है तो शिकायत डायरेक्ट हमको सी एस लेवल में बात करेगा, दोनों चीज करेगा ऐसा। अभी हमने रिटायरमेंट ले लो, जबरदस्ती कोई नहीं किया, आप लोग यहाँ के नर्स है, डॉक्टर है, आप लोगों को भी कोई जबरदस्ती नहीं किया, आप लोग जबरदस्ती सरकार को उनकी नौकरी कर रहा है, तो सरकार में हो, संघ में हो, कॉलेज में हो, टेलीविजन बढ़ गया हो, रिलेटिव प्रॉब्लम हो गया हो, ये सेकेंडरी इशू होना चाहिए, प्राइमरी इशू आपका ये होना चाहिए कि हम एक ऐसे एसेंशियल सर्विस ड्यूटी में काम करने वाला, शादी का समय में भी अपना वाइफ को बोल देना है, अपना हस्बैंड को बोल देना है कि मैं ये एसेंशियल सर्विस ड्यूटी में करने वाला आदमी हूँ, इसलिए आप हमको नाराज नहीं करना है, अगर नाराज करेगा सोचता है तो अभी से बोल रहा हम आपको शादी नहीं करेगा। तो अभी का जो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपना प्रोफेशन को प्यार नहीं कर रहा, जिसका कारण से कंप्लेन आ रहा है, कुछ नहीं है। अभी आरके मिशन में क्यों जा रहा है, लीबा में क्यों जा रहा है, हिमा में क्यों जा रहा है, मैं सेम बात ये इसके बीच में इंडिया को भी बात कर रहा, हर मीटिंग में सारा देखा सबको बुला के यही बात को हम कर रहे हैं। हम लोग का मजबूरी है कि क्रिम्स में आना पड़ता है, हम लोग का मजबूरी है कि इसके टीम को इंडिया में हमको जाना पड़ता है, और आप लोग ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अपना घर का काम है, घर घर के घर घर ही है आपका, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक चीज आज का मीटिंग में से कनेक्टेड नहीं होना, लेकिन हमारा वर्गी कल्याण समिति हो या जो अच्छा बात है कि हम किसी को कल्याण करने जा रहे हैं, किसी को सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। मैं अपना इसका बिल्कुल बोलता है, मैं परसों में डॉक्टर साहब अच्छे रहता था, परसों मेरा जो है डायबिटीज हमारा ये लिमिट आ गया था 450 आ गया था, तभी भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इसका तो 200 आने से छुट्टी लेके डॉक्टर का पास था। बात बात कर रहे हैं लेकिन सबसे दुख का बात इसी में है, आपको पैसे सब कुछ अगर आप ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल आप सोचते देखिए हमारा जो ये जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सामान सामान सब कुछ तैयार होने से भी क्या करेगा, लेकिन वो इंसान का काम वो नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा सेफ्टी एंटिटी सब चीज होने से तब जाके आप डिलीवरी सिस्टम में बहुत अच्छा रहेगा। वो नहीं ये क्रीम्स में बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्रीम्स में बहुत अच्छा नर्स पड़ेगा ना, मेरा ख्याल से आपका पास जितना फैसिलिटी है उतना फैसिलिटी हिमा में भी नहीं होगा, हिंदुआ में भी नहीं होगा, आगे में भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उस चीज़ के लिए लौट जाता है कि बहुत अच्छा क्लोज करने के लिए या ताला मारने के लिए हमको 2 मिनट लगेगा। अभी तो आप लोगों को मालूम होगा ये सब चीज़ को लेके काफ़ी ग्रीन ट्रिब्यूनल से बहुत से ये डायरेक्शंस आ गए हैं। अभी तो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उसको तो 75 लैक्स प्लस 25 लैक्स, अभी हमने
फिर पोल्यूशन बोर्ड ने फिर हमको दे दिया, मेरा कोर्ट में सर्टिफिकेट ऑफिसर का इधर। अभी हमने 75 days प्लस 25 days पता नहीं डेट पार हो गया ना, उस दिन बुलाएगा तो हम तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं, वो तो हम तो पक्का वो करोड़ रुपया तो निकाल के ही चलो। तो ऐसे ही आपको ट्रिप्स को भी हो जाएगा, कल को आरटी मिशन को भी हो जाएगा। अभी काफी डिबेट हुआ इसको लेके, इनको मालूम है खास करके गायनी का केस को लेके, गायनी को लेके, अल्ट्रासाउंड को लेके, बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहां से लोग आया आके, हमारा जो डीएमओ का स्टाफ को झूठ बोला पिकनिक करने के लिए चलो बोलते, तो वो डीएमओ बोला एक लेडी को ले चलो, आप लोग लेडी स्टाफ बेटर होंगे, कहाँ आए तो गाड़ी को चेंज करो, उसका गाड़ी को रख दिया, उसके बाद दूसरा गाड़ी पकड़ा, हिमा में नीबा में घुस घुस के सबको ताला मार दिया। तो ये जो सिस्टम जो है हम लोग बहुत से तकलीफ है, लेकिन वो सिस्टम में अगर नहीं चलेगा तो कल को ये सरकारी या वो हमारा काफी मीटिंग हुआ था, सब बोला कि आदमी बीमारी आदमी है ये सब है वो सब मुझे बोलते हैं, लेकिन कानून ये नहीं बता रहा है कि और बीमारी आदमी बहुत ड्रीम्स देखता है, उसका ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इसको छोड़ना है, ऐसे सिस्टम है ही नहीं। नियम है तो नियम है, तो उसको हम लोग को पालन करना होता है, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट का सिस्टम हो, कानून हो, या ईटीपी लगाने, एसटीपी को लगा लिया, एसटीपी लगा लिया, ईटीपी लगाना है, उसका भी तो ऑलरेडी नोटिस मिल चुका है ना, हाँ उसको भी हमने भेजा था, फिर वो बोलते हैं फिनेंस मनी आपका हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोला कि प्रॉपर चैनल से आना है, बोलते तो आप क्या भेज दिया ना पैसा ही नहीं, तो वो है। तो ये सब चीज जो है हम लोग को एक बड़ा मोटा मोटी कानून का अंदर में हम लोग काम करना होता है। चलो वो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है कि अब हमारा जो सीसीएस कोंडापुर होता है आपका हॉस्पिटल का, ये भी आपको क्या बोलेगा, ये पूरा जो कंज्यूमर एक्ट का अंदर में आप लोग का आता है नेग्लिजेंस का बारे में काफी सुनाई देता है, मीडिया में आता है, हम व्हाट्सएप भी मिलता है कि हम जो क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है, ये बाय नेचर होता है ना, आदमी लोग नर्स हो डॉक्टर हो डॉक्टर काफी है, काफी अपना नेचर में रहता है, डॉक्टर ये है सबका अपना अपना नेचर में रहता है, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे नेचर में नहीं रहता है, उसका नेचर ही ऐसे विपरीत काम होता है। इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का मीटिंग में बार बार सबको बताता है कि आप डॉक्टर बनने के लिए अपने मन से गया ना, नहीं दिया बनने जा रहा है ना, माँ पिता जी बोल रहे इसलिए आप उसको गोल फिक्स कर रहा है, नर्स बनने के लिए आप गोल फिक्स कर रहे हैं तो आपको अपना माँ पिता जी बोलने से कारण से कर रहे हैं ना, तुम अपना से कर रहे हैं, मैं आजकल उनको सवाल पूछ के हमेशा घूमते रहता हूँ। तो इसलिए बहुत से हम लोग का जमाना में यही है कि हम लोग इंजीनियर बनने के लिए कोई सोचा नहीं, इंजीनियर बन गया तो आज एडमिनिस्ट्रेशन में आया, हम भी पता नहीं हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा वो कि कभी सोचा भी नहीं है इधर आ गया। तो ये बाय चांस बाय डिफॉल्ट हम लोग ये प्रोफेशन को अपना लिया। तो मैं अभी भी हमारा ऑफिसर को बोलता है एडीसी सीओ एडीसी प्रपोजल हमने सरकार को भेज दिया, लेकिन उसको भी आपका डायरेक्टर लोग पार्सल नहीं कर रहा है, अभी तक खाली हो जाना चाहिए, तो हमको इतना इमरजेंसी बुलाया हम लोग प्रपोजल उसको शिफ्ट करने के लिए प्रपोजल सरकार को भेजा, वो भी नहीं हो पाया। फिर अंदर में एक प्राइवेट बिल्डिंग सब है, तो आप लोग कल रिटायरमेंट हो या ना हो तक है ये ड्रीम्स आपसे जुड़ा रहा, अब बाहर भी जाएगा अब कहाँ का हम ड्रीम्स में काम करते हैं, इसलिए ड्रीम्स का अंदर जो भी अच्छा चीज है और अच्छा चीज होना चाहिए और आप लोग का भी नाम जुड़ा रहता है, तो इसलिए ये जो बिल्डिंग को भी हमारा कोशिश अभी उसका असेसमेंट करके उसको भी प्रॉपर्टी को ड्रीम्स ले लेना है, तो स्पेस का शॉर्टेज बहुत है, तो हम अभी जो पचिंग को हमने
ये किया था कि इसको पुलिस का जमीन है, इसको जो अलॉटमेंट सरकार ने दिया है गलत है, वो कि हमने बोला था वो ऑर्डर को हमने विड्रॉ कर दिया है। जैसे ही मैं किसी ऑफिस में आ गया अभी मैंने उसको विड्रॉ कर दिया है, वो खाली है, लेकिन अभी तक बहुत से बिल्डिंग बन गया लेकिन अलॉटमेंट जो है आप लोगों का ही मेडिकल डिपार्टमेंट का ही रहेगा। अगर वो मिल जाता है तो काफ़ी हमारा जो इसको आगे बढ़ाने में काम आएगा। तो इसलिए ये जो जगह अभी आपने दिखाया है सही जगह दिखाया, लेकिन ये हमारा और दूसरा काम फ्यूचर में आ सकता है। हम अभी ये जो जस्ट टकर कंट्रोल कॉम्प्लेक्स का अपोजिट ही है, ज़्यादा दूर में है, आपका कैंपस से हार्डली 20 मीटर का ही दूरी में ये अभी बनेगा मल्टी पार्किंग का। तो सिस्टम क्या कर सकता है कि जो भी आदमी है वहाँ गाड़ी पार्किंग करेगा आराम से। अभी जो है फ्लाई ओवर जो है अभी शुरू करने वाला है, सो यहाँ से बेंजामिन होटल से बोलर विलेज तक, तो उसका फ्यूचर में जो है आपका जो यहाँ अंदर में ही आपको कैसे बुरा के इधर घुसा देगा नहीं, उन्हें से वहाँ से सीधा उधर आएगा, वहाँ से सीधे इधर आपका उस ऊपर से इस ऊपर से नीचे में घुस के भी आप आ सकते हैं रिम्स के लिए। लेकिन ये स्पेस जो है आप ऐसे तो डिस्कशन में आ गया और हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में आ गया था, तो इसको तो हम अभी फाइनल टेकअप नहीं, इसका तो टेंडर हो गया और जो अभी वहाँ में गवर्नमेंट स्टाफ जो बैठा हुआ है उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन देने का है। तो हमारा सेक्रेटरी हाउसिंग को बात किया हुआ है कि जल्दी एकोमोडेशन दे दो खाली करके ये काम शुरू करने का। ऐसे करके अभी आपका जो यहाँ जो एक्टिविटीज है हम पहले तो पता नहीं था, आज सचमुच का मेरा पहला मीटिंग है, मुझे लगता है कि आप लोग का पीछे बड़ा करना चाहिए मेरा आदत खराब है, लाइव वीडियो देखियो में हमें घूमते रहेगा तो होशियार से ऐसे तो हम मालूम है दोनों का सिंसरिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमारा ऑफिस में भी डीसी ऑफिस में भी आपको कोई कोई लोग जो फेसबुक में रहता है मीडिया में रहता है आप लोग कुछ है नहीं तो अपना ऑफिस का ESCCO ADC लोग को भी चौथा नहीं हो, नहीं सुबह टाइम में आ जाएगा फिर लाइव वीडियो लेके रूम रूम को पूरा नेम प्लेट कर सकते हैं। तो यहाँ में भी कहीं भी जो भी काम है मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ऐसे नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमारा डिस्ट्रिक्ट का अंदर में कोई भी सरकारी हो या गैर सरकारी हो मैं तो कहीं भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, जहाँ में बिजनेस करेगा या जहाँ में इलीगल करेगा अनऑथराइज कुछ भी काम करेगा तो हम कहीं भी घुस सकता है देख सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा ही हो गया बोलता है। तो अभी से कोशिश करेगा, ऐसे नहीं है कि सिर्फ RTS का बात नहीं है, आप लोगों का ओवरऑल जो यहाँ एक्टिविटीज होता है, अभी हमारा साथ जो प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा है अभी जैसे आपका ATP से SPP से हम लोग काफ़ी मीटिंग हम लोग का कर चुका है और खास करके बायो वेस्ट मैनेजमेंट को देख के हमने उस दिन भी सेक्रेटरी फिनांस को हमने चिट्ठी भेजा जो कि सिस्टम और नॉर्म्स का मुताबिक से आपका ये बायोमेडिकल वेस्ट को तो यहाँ बनाने के लिए कोई है ही नहीं नॉर्म्स में, तो दूर में ही बनाना हो तो जैसे RK मिशन हो गया, हिमा हो गया, निमा हो गया या ये आपका जो ट्रिम्स हो गया उन लोगों के लिए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होस में पहले से प्रपोजल, तो हम लोग आप भेजा था ना DMO भेजा था हमने भेजा है, तो इसको हम दो बार फिर भेज दिया है। अभी हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा, सबको ऐसे करके दोनों साइड से भेजा है क्योंकि ये तो बहुत आप सभी को जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं चेयरमैन मुझे भी आप लोगों को वेलकम करना चाहिए और आज सैटरडे है, नॉर्मली गवर्नमेंट में जो काम करता है सैटरडे संडे इसी में हम लोग हॉलीडे में रहता है और मेरा विश्वास है कि मेडिकल
में और पुलिस में और अपना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मजिस्ट्रेट है, खास करके पुलिस में जो एस पी है या डी सी है, 24/7 रहना चाहिए, जैसे आपको मेडिकल में जो रहता है। और हम जो बोलेंगे कि दो जो आपका यहाँ का जो काकी सर और अन्या सर दोनों, ये हमारा समाज का एक डायमंड से भी और अच्छा पत्थर होता है, तो उसका नाम लेने से भी होगा। ये दोनों को ऊपर कोई शक करने का है ही नहीं, काफ़ी मेहनती है, बहुत सिंसियर है लाइब्रेरी के लिए। ये लोग बहुत से लोग होता है यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन दोनों को देख दिया 100% या समय देते हैं, इसलिए एम्स का जो भी अच्छा होना चाहिए उसका कंधे पे बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कि आप मुझे उम्मीद नहीं करना है कि स्वामी जी मैं आपके मिशन का प्रोडक्ट हूँ और हम उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वो भी चला 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 ही रहेगा। स्वामी जी जितना बात किया है आप उसको ध्यान में रखिए, आगे के लिए अभी जितना भी जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है उनको भी शेयर कीजिए। आप कोई कोई लोग जो है क्रिकेट का जो पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात करते हैं, उसको बात नहीं मत कीजिए, मुझे को जरूर स्वामी जी ने जो बात किया उसको बात कीजिए, आपका राजा ने जो बात किया वो बात कीजिए। तो बात करने से सचमुच का हम कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तीसरा बात जो है, अभी आप लोगों ने जो भी प्रपोजल दिया है एजेंसियर में, आप लोगों ने जो दिया है वो तो हम ऐसे कभी भी मना नहीं करते ना, जब कुछ लोग हमको मना करते हैं, ये आपका बिलिंग असिस्टेंट क्या नाम है, हम मना करता है, इतना यूनिट लगता है हम साइन करने के लिए, साथ साथ पहले आता है हम साइन करके इसलिए ये जो चीज है, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन में तो ये सागर में एक बूंद जैसे भी नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक बूंद से ही जो भी इसको यूज करता है उनको उसका वैल्यू को समझना चाहिए, और उस वैल्यू को अगर समझ गया तो आगे हम ज़्यादा बात करने का नहीं होता है, तो उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है। तो मुझे अभी भी याद है 1996-97 में हमने अपना डबल इंडियर को जो शुरू किया था, उसमें एक डॉक्टर आया था जुम्मू जो अभी कहाँ पोस्टिंग है मालूम नहीं था, और नर्स को बहुत गाली देता था, और जो ये करने के लिए कॉटन को ना कोई कोई लोग बड़ा बड़ा बनाता था उसको पिक से गाली देता था। वो शायद इधर वेस्ट बंगाल से और आसाम का बीच में कोई कॉलेज है, वहाँ से पास करके आए, तो बंगाली लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं, तो कॉटन को बड़ा बड़ा करेगा फिर उसको एक साइड यूज करके, एक साइड यूज नहीं करने से भी गाली देता था, यहाँ से यूज करेगा फिर यहाँ से यूज करेगा। तो ये जो सेंस है वो हम सभी को आना चाहिए, डॉक्टर हो, नर्स हो, स्वीपर हो, कोई भी हो, तब जाके हमारा जो एक दिन जो सागर का पानी है वो काम है। मुझे इतना यहाँ पता नहीं है कि आप बीच में चीफ सेक्रेटरी बीच बीच में यहाँ बेचने से तभी हम आ पाते हैं, ऐसे तो अभी जब जब सुनाई देता है, जैसे पानी का बारे में एक बार किसी से सुना था तो हमने पीएचई का ऐसे साहब को बात किया, हाँ मीडिया में देखा था, मीडिया में वो आया था कि रिम्स में पानी नहीं है, तो हमने उनको बात किया क्यों पानी नहीं है, तब तक पानी रिस्टोर कर चुका है। तो ऐसे करके अभी ट्रैफिक का बारे में सुनते रहता है, तो ट्रैफिक को तो लेके स्मार्ट सिटी का डीसी बोर्ड डायरेक्टर तो वहाँ में बातचीत होता है। तो शुरुआत में आपका जो ओ बिल्डिंग को आपसे पहले जो उमेश
सीएमएस का, उनसे बात करके जो अभी नया जो बिल्डिंग अभी बना रहा है वहां में बनाना।